मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीकेएल सीजन 8 की एक और टीम के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरात जायंट्स की। तो इस वीडियो में हम गुजरात जायंट्स की रेडर्स डिफेंडर्स की ओर नजर डालेंगे, साथ ही उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात जायंट्स, जिन्हें आप सीजन 7 तक गुजरात फॉर्चून जायंट्स के नाम से जानते थे। अब सीजन 8 में उन्होंने अपना नाम बदल लिया है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ अवतार भी बदलेगा। जिनके अगर वहीं कोच की बात करते हैं तो गुजरात के कोच मनप्रीत सिंह है सीजन 7 की ही तरह। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं गुजरात की रेडिंग यूनिट की ओर। तो रेडर्स में गुजरात के पास नजर आते हैं अजय कुमार, हरमनजीत सिंह, हर्षित यादव, महेंद्र राजपूत, राकेश नरवाल। अजय कुमार की ओर अगर बात करते हैं तो अजय कुमार इस तरीके के रेडर है कि अगर उनकी फॉर्म कुछ इस तरीके की रहती है कि बाय चांस की बात है, या तो वो चलेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, या फिर वो बिल्कुल ही चुपचाप और आप सभी को नजर भी नहीं आएंगे पूरे मैच में। वहीं अगर हम राकेश नरवाल की बात करते हैं तो राकेश नरवाल पिछले सीजन में बंगाल वॉरियर्स की टीम में खेलते हुए नजर आ रहे थे और इस सीजन में गुजरात ने उन्हें खरीदा और अपनी टीम में शामिल कर लिया है। वहीं अगर हम डिफेंडिंग यूनिट की ओर निगाह डालते हैं तो डिफेंस काफ़ी मजबूत और आप बोल सकते हैं सटा हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, काफ़ी एक्सपीरियंस झलकता है डिफेंस के अंदर। डिफेंडर्स की लिस्ट में नजर आते हैं अंकित, रविंदर पहल, परवेश भैशवाल, गिरीश अर्नाक, सुनील और सुमित। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि परवेश भैशवाल और सुनील पिछले सीजन में भी गुजरात के लिए ही खेलते हुए नजर आते थे और ये पुरानी जोड़ी है जो इस सीजन भी आप सभी को नजर आएगी। उसके अलावा रविंदर और गिरीश के बेस पे काफ़ी अच्छे डिफेंडर्स टीम में शामिल करे गए हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ करेंगे टीम के डिफेंस को। वहीं अगर हम ऑलराउंडर की बात करते हैं तो ऑलराउंडर्स में अगर कोई एक अहम नाम की बात करते हैं तो वो फॉर्नर है, जो कि हादी ऑस्ट्रो है। लेकिन फॉर्नर्स की कुछ गारंटी नहीं है कि वो इंडिया में आके खेल पाएंगे या फिर नहीं, वो तो सीजन शुरू होने पर ही हमें पता चलेगा। तो ये तो थे रेडर्स, डिफेंडर्स और ऑलराउंडर्स। अब हम बात करेंगे टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। जी हाँ, सबसे पहले नजर डालते हैं स्ट्रेंथ की ओर। तो टीम का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डिफेंस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत डिफेंस नज़र आ रहा है। हम हाथ पर ही गिन सकते हैं वो चार डिफेंडर्स जो आप सभी को सीजन 8 में टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, अगर हम राइट कॉर्नर की बात करते हैं तो वो जगह रविंदर पहल की है। वही लेफ्ट कॉर्नर गिरीश अर्नाक संभालते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर हम दूसरी मजबूती की बात करते हैं तो वो रहेगी परवेश भैंसवाल और सुनील की पुरानी जोड़ी। सीजन 7 में भी ये जोड़ी खेलती हुई नजर आई है, तो इन दोनों को ये ज़रूर पता होगा किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से टैकल करना है। तो काफ़ी ये स्ट्रेंथ ऐड करता है टीम में और कवर्स की भूमिका ये दोनों डिफेंडर्स निभाते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अगर हम बोलते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस गुजरात जायंट्स के पास है और हमेशा से ही आपने देखा होगा कि गुजरात मोस्टली अपने डिफेंस के बेस पर ही खेलती हुई नजर आई है और उनका डिफेंस भी काफ़ी अच्छा चलता हुआ हर सीजन में नजर आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल का डिफेंस भी उनका ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे। तो ये तो थी स्ट्रेंथ की बात। वहीं अगर हम वीकनेसेस की ओर नज़र डालते हैं तो वीकनेस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि उन्होंने रोहित गुलिया और सचिन तंवर को रिटेन नहीं किया है। जी हाँ, ये दोनों खिलाड़ी सीजन 7 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे गुजरात के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी टीम ने इन दोनों प्लेयर्स को, इन दोनों रेडर्स को रिटेन नहीं किया। वहीं अगर हम दूसरी वीकनेस की बात करते हैं तो दूसरी वीकनेस रहेगी काफ़ी गिने चुने ऑलराउंडर्स है टीम में, कुछ ज़्यादा ऑलराउंडर्स नज़र नहीं आते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये चीज़ क्या टीम को खलेगी, ये एक सेटबैक हो सकता है आने वाले सीजन में टीम के लिए। वहीं अगर हम तीसरे वीकनेस की बात करते हैं तो वो रहेगी कि अजय कुमार, राकेश नरवाल और महेंद्र राजपूत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रहने वाली है। यानी कि इन तीनों रेडर्स पे ही पूरी की पूरी रेडिंग की निर्भरता रहेगी, निर्भर रहेंगे सभी इन तीनों रेडर्स के ऊपर भी। और उसमें भी अगर अजय कुमार की बात करते हैं तो वो भी कुछ कुछ मैचेस में फॉर्म में रहते हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहते हैं, लेकिन कुछ मैचेस में वो बिल्कुल फीके रहते हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आते।
तो देखने वाली बात होगी कि ये रेडर्स किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। वहीं अगर इनके अलावा जो बाकी रेडर्स टीम में है वो काफी यंग है, काफी अनएक्सपीरियंस्ड है, जिन्हें अपने आप को प्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है, तभी रेडिंग यूनिट थोड़ी स्ट्रांग नजर आती है। लेकिन अगर हम थोड़ा अगर हम थोड़ा नजर डालते हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर, रेडिंग प्लस डिफेंस जो टीम का नजर आता है काफी सेटल दिखाई देता है, क्योंकि डिफेंस में तो कुछ कमी दिखाई नहीं देती है हमेशा से ही। गुजरात का इस सीजन में भी डिफेंस काफी स्ट्रांग, मजबूत और जबरदस्त नजर आता है। तो चलिए फिर पेपर पे अगर हम देखते हैं तो काफी सेटल टीम दिखाई देती है, लेकिन सीजन 8 में जब ये टीम खेलती हुई नजर आएगी उस समय तभी पता चलेगा किस तरीके से ये टीम खेलती है, किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा सभी रेडर्स और डिफेंडर्स का। वहीं अगर टीम के रेडर्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये टीम एक टीम टू बीट करने वाली बात हो जाएगी, काफ़ी मजबूत ये टीम हो जाएगी अगर रेडर्स भी अपनी फॉर्म में नजर आए और अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि डिफेंस में बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं है। वहीं अगर पीकेएल सीजन 8 की बात करते हैं तो 22 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा और गुजरात जायंट्स अपना पीकेएल सीजन 8 का सफर शुरू करेगी 23 दिसंबर को शाम 7:30 बजे से। पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स का रहने वाला है जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ, तो आप सभी जरूर तैयार रहिएगा इस मुकाबले को देखने के लिए। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए फिर ये थी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए, जिसमें हमने कर दी है गुजरात जायंट्स की काफी डीप एनालिसिस आप सभी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही ऐसी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए आप सब हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब जुड़े रहिए आपकी बैठक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।